मामला है मनोज जी? हम घर पर सोए थे, अचानक 20-25 लोग आए, बेलाबाजी करने लगे, उसके बाद घर में घुस के मारे, उसके बाद हम लोग जरा कुछ लोग टूटे दौड़ने लगे तो लोग भागे, अपने दुआ पर मार ढेलाबाजी पूरा मोहल्ला मारे, कई लोग घायल हो गए, तलवार भी लिए थे, हाथी भी लिए थे, रामदेव थे और उनके के लड़के पूरे बचाऊ के लड़के थे, गुजारे थे, कई लोग थे, मतलब 20-25 लोग थे, दौड़ा दौड़ा के मारे, बहुतों को मारे हैं। क्या क्या हुआ था कि जो लोग गाड़ी बजी लेके आपके तरफ थे? कुछ नहीं, जरा सर गाड़ी उनका हमारा भतीजा को ले जा रहा था, उसके बाद गाड़ी नहीं हटाएंगे, मारने लगे, वहाँ गए पूछने तो हमारे लड़के को भी मारे दिए, उसके बाद आए तो हमको भाई अपने लड़के को समझा लीजिए, उसके बाद आए रामदेव, वो का नाम सट्टाबाजी करता है, उसके बाद दारू तो माफिया भी है, जेल जा चुका है, प्रीतम जायसवाल मेरा लड़का है, वो ट्रामा सेंटर गया है, सीरियस है। इसको क्या कहा जाए, इसको क्या कहा जाए कि कैसे किस लिए भाई को मारे थे रामदेव, उनके पूरे परिवार मारे थे, यहाँ मुकदमा हुआ था, फिर बाद में सुलह कराया गुड़ हाथ उड़ के, तो अब आप क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं? ये वार्ड नंबर 16 अली नगर में एक मामला हुआ है, उसमें काफ़ी लोग हताहत भी हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, पूरा मामला क्या है? वार्ड नंबर 16 में जैसा कि पब्लिक से सूचना मिली कि एक बच्चा लड़का जो है एक लेडीज़ को लेकर के जा रहा था, उनका पैर किसी मोटरसाइकिल में टकराया और वहाँ पे दो ग्रुप बैठे आपस में ताश वगैरह खेल रहे थे, जैसे कि सूचना आ रही है अभी हम लोगों के पास पब्लिक के द्वारा जो दिया जा रहा है, फिर उनमें आपस में विवाद हो गया और वो जब महिला गिर गई तो उसी में कहासुनी हुई, कहासुनी में इनमें मारपीट हुई है जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो लोग मारने वाले उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। अपराधी टाइप के ये लोग बताए जा रहे हैं और इन पर कोई अभी किस तरह की कार्रवाई करने की? इनका अपराधी के इतिहास छांट करके इन पर हम लोग 110G और गुंडा की कार्रवाई जरूर करेंगे। उसमें सर एक लोग को माफिया भी बताया जा रहा है, तो माफिया भी हैं वो बेचना में सामने आ जाएगा, अगर वो माफिया होंगे तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, फिलहाल गुंडा की कार्रवाई हम सब पे करेंगे, जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके पूरा उनके विरुद्ध अगर अपराधी की इतिहास वगैरह और है और उस दायरे में आ रहे हैं तो सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें से एक लड़का जो है वो ट्रामा सेंटर, उसको चोट कुछ ज़्यादा लगी तो ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। सर क्षेत्र में इस तरह की वारदात और बुज़ुर्ग लोगों पर हमला किया जा रहा है तो क्या लगता है कि कितनी सक्रियता रहेगी आप लोगों की? नहीं, सक्रियता पुलिस की बिल्कुल रहती है लेकिन हम अपेक्षा भी जनता से करते हैं कि इतनी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है, जैसे 100 डायल है, इसके अलावा आप थाने का नंबर है और हमारा नंबर है तो ये लोग रखें, लोग सूचना दिया करें, लेकिन ऐन मौके पे जनता के द्वारा सूचना नहीं दिया जाता, जब कोई बात हो जाती तो फिर अवगत कराया जाता है। सर वहाँ फायरिंग की भी सूचना आ रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फायरिंग की कोई सूचना हमारे सामने नहीं आई।